जनाब सैयद अली मूसा गिलानी साहब। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं आपका ममनून हूं कि आपने मुझे फ्लोर दिया। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं और उसके बाद मुल्तान की गयूर अवाम, बिलखसूस NA 157 की गयूर अवाम, जिसने मुझे अपना नुमाइंदा बनाकर, अपनी आवाज़ बनाकर, अपनी ज़बान बनाकर इस मुक़द्दस ऐवान में भेजा है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब का, जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब का, जिन्होंने मेरे पर एतमाद करते हुए मुझे टिकट दिया। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब का, हकूमती इत्तेहाद में PDM मौलाना फजलुर रहमान साहब का और हकूमती इत्तेहाद के तमाम जमातों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरे पर एतमाद करते हुए मेरा साथ दिया। मैं इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और इस मुत्तहिदा हुकूमत का सिपाही बनकर आवाम में नजरिया पाकिस्तान का नारा लेकर गया और मेरा मुकाबला, जैसे कि आपको पता है, एक झूठ के प्रोपोगंडे के साथ था और उसको फाश करने के लिए हमने अपना सच जो है वो आवाम के दरों तक हम लेकर गए। और मैं समझता हूँ कि हम जो अवामी नुमाइंदे हैं, हमें हकीकी अवामी नुमाइंदगी के लिए यही जो झूठ है और जो ये प्रोपोगेंडा है, इसको फाश करने के लिए हमें अवाम तक पहुंचना होगा। और मैं ये बात जिस वक्त मैं असेंबली में दाखिल हुआ, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक पोलराइजेशन और एक नफरत की आग फैली जा चुकी है और पाकिस्तान उस नफरत की आग का मुतहम्मल नहीं हो सकता। जनाब स्पीकर, हम एक साबिर और एक तहम्मुल वाला और एक बर्दाश्त वाला पाकिस्तान चाहते हैं। मैं अपने वालिद सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो सबर की तलकीन की। मेरा ये इलेक्शन स्लोगन नहीं लगाने प्लीज। ये इलेक्शन स्पीकर साहब एक दास्तान है, ये एक दास्तान है मोहब्बत की, सबर की और कुर्बानी की। ये दास्तान हमने तमाम जमातों ने मिलकर रकम की और ये मुल्क मैं ये समझता हूं कि जो ये शगाफ हमने डाला है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस हुकूमत से कि हमें पाकिस्तान, हम जो शख्सियात हैं, शख्सियात ने इस दुनिया फानी से चले जाना है लेकिन पाकिस्तान ताक़यामत कायम व दायम रहेगा। हमने पाकिस्तान की सालमियत की बात करनी है, हमने शख्सियात परस्ती नहीं करनी। और जो ये नफरत की आग फैली जा रही है, जो ये बदकलामी, बद इखलाकी, बद तहजीबी, बदतमीजी की आग फैली जा रही है, हम अपनी अगली नस्ल को कौन सा पाकिस्तान देना जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक बर के बला कौंध गई सारे चमन को, एक बर के बला कौंध गई सारे चमन को। लगेगी तो ये किसी एक के घर नहीं लगेगी, ये बस्ती बस्ती, शहर के शहर और ये मुल्क जला देगी। हमें इस आग को यहीं रोकना होगा। और मैं समझता हूं कि पार्लिमान ये वाहिद इदारा है, पार्लिमान एक मुकद्दस, इदारा है जिससे तमाम इदारे ताकत लेते हैं और ताकत का सरचश्मा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कहा था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो ये हम अवामी नुमाइंदे जो हैं हमने इस आग पर काबू पाना है और ये आग पर काबू पाने के लिए हमें एक जो हिकमत अमली है, मेरा मुकाबला इसके साथ था, इस टेलीफोन के साथ जो हर किसी के जेब में था, किसी के पास दो थे। इस पे एक झूठ का प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा था, रोज फैलाया जा रहा था और हम रोज उस झूठ को शिकस्त देते थे। हम अपनी मैन पावर से, अपने जज्बे से, अपनी कन्विक्शन से इस झूठ को शिकस्त उसके दर पर जाकर देते थे और इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी जो मुल्तान की आवाम है, मैं उनका नुमाइंदा बनकर आया हूं। उन्होंने मुझे अपनी आवाज बनाकर भेजा है और वो मुझे कह रहे हैं कि इस झूठ का पर्दाफाश करना है। तो इसके लिए हमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो ये फॉरेन फंडिंग है, इसका जो इस्तेमाल हुआ वो कहां पर हुआ, किस सोशल मीडिया कंपनीज को ये पैसे दिए गए कि वो झूठ जो फैला जा रहा है इस मुल्क के खिलाफ जो फैला जा रहा है। हम वी शुड नॉट बी ब्लाइंडेड बाय लव और हेट। हमें पाकिस्तान को सामने रखना होगा और मैं जिस वसेब से आया हूं उनकी महरूमियां और उनकी महकूमियां इतनी हैं कि स्पीकर साहब वो मेरे से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें अपना एक अलहदा सूबा चाहिए, हमें एक खुद मुख्तार सूबा चाहिए, हमें अपने वसाइल के हकूक, हमें अपने वसाइल पे हमें अपना हक चाहिए। और उसके लिए मैं, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये आज़म था, ये मेरे वालिद यूसुफ रज़ा गिलानी का आज़म था और मैं भी उसी आज़म के साथ दोबारा दूसरी मरतबा इस ऐवान में दाखिल हुआ हूँ और मैं वही आज़म लेकर आगे चलूँगा। और मैं आखिर में सिर्फ मुल्तान की आवाम के लिए आपके तवस्सुत से सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूं कि वक्त शाहिद है कि हर बैत फासिक के खिलाफ खते तनसीख जो खींचता है वो हम खींचते हैं। बहुत मेहरबानी।